They have not changed color. Although आज के इवेंट की अगर बात करें तो इसकी तैयारी हम लोग पिछले बहुत महीनों से कर रहे हैं. हाँ जी, सॉरी. अगर आज के इवेंट की बात करें तो एल्विस और हम सब लोग इसकी बहुत टाइम से तैयारी कर रहे थे. जैसा हमने सोचा था थोड़ा सा लेट हो गया चीज़ों को लेकर के, तो थोड़ा सा स्मॉल लेवल पे हुआ था, बट नेक्स्ट टाइम इसको हम बहुत ग्रैंड लेवल पे करेंगे. और आज मैं सबको थैंक्स बोलना चाहूँगी, टू ऑल माई मिस इंडिया फ्रेंड्स, टू रीत एंड एवरीबडी टू कम ऑल द वे टू गिव देयर टाइम और इस शो को आज करने के लिए. स्पेशल थैंक्स टू प्रिया कटारिया पुरी एंड फागुनियन शेन पिकॉक टू गिव द क्लोथ्स, एंड वो इस पूरे इवेंट का एक पार्ट है अब. और थैंक्स टू एल्विस टू ब्रिंग अस ऑल टुगेदर. थैंक्स टू समीर फॉर कोरियोग्राफिंग द होल फैशन शो. वेट, एम आई मिसिंग ऑन समवन? थैंक्स टू अग्निश. अग्निश इज द ही इज अ स्टाइलिस्ट एंड ही फॉर फॉर्मल ऑफिशियल स्टाइलिस्ट फॉर फेमिना मिस इंडिया. ही डिड द होल इवेंट. ही गॉट एवरीवन हियर ऑन वन स्टेज फॉर दिस फैशन शो. सो थैंक्स टू एवरीवन फॉर स्प्रेडिंग द अवेयरनेस अबाउट HIV/AIDS. एंड टुडे इज वर्ल्ड एड्स डे एंड दिस इज आवर स्मॉल इनिशिएटिव फ्रॉम आवर साइड टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट इट थ्रू रेड रिबन रिवॉल्यूशन. बस भगवान ने चाहा आपका ऐसा मीडिया सपोर्ट रहा तो हमें लगता है कि अगली बार जो हम शो करेंगे तो आप थक जाएंगे, जैसा सेलिब्रिटी वॉक कर रहे होंगे इस छोटे से इस एक कॉज के लिए. सो हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हमारी इस कॉज के साथ और हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सपोर्ट कर सकें जिनको ज़रूरत है प्रॉपर फूड की, प्रॉपर डाइट की, न्यूट्रिशन की और एजुकेशन वगैरह चीज़ों के लिए. मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है. अगर अभी भी हम लोगों को यही नहीं पता है कि आप HIV वाले बच्चों के साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, उनके साथ आप उनको आप प्यार से किस कर सकते हैं, अगर मन में वो डर हमारे अभी तक है कि उससे भी HIV फैलता है, तो मतलब हमें पता ही नहीं HIV है क्या चीज़ एग्जैक्टली. सो बेसिकली एक तो बेसिक अवेयरनेस फैलानी है सबके बीच में, और दूसरा हमें सबको बताना है. अगर हम उन बच्चों को प्रॉपर डाइट देते हैं, न्यूट्रिशन, एजुकेशन और उनकी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, तो उनकी एवरेज लाइफ है 40 साल, जो कि नॉर्मली मेरी हम सबकी आजकल 50-60 साल की नॉर्मल एवरेज लाइफ है. तो आई थिंक ये कोई बीमारी है ही नहीं. अगर उनका प्रॉपर ख्याल रखो तो वो हमारे तरह नॉर्मल लाइफ जीते हैं. सो हमें सबको यही बताना है कि जस्ट टेक गुड केयर ऑफ देम एंड दे ऑल विल हैव अ प्रॉपर लाइफ द वे वी आर लिविंग राइट नाउ. बिल्कुल. इसके लिए मैंने अब तक अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है, बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानती हूँ जो रेड लाइट एरियाज में जाते हैं, वहाँ पे काम करने वाली लेडीज़ को वो सिखाते हैं कि दे ऑल शुड यूज़ प्रिकॉशन, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर देम टू यूज़ इट. सो आई थिंक माई फ्रेंड्स वर डूइंग इट, दे आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब. पर मैंने अब तक नहीं किया तो मैं खुद से आई कांट पास एनी कॉमेंट, बिकॉज मुझे इतना आइडिया नहीं है इसके बारे में वॉट ऑल दे डू देयर. बट येस, बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ जाकर उनको इस बात को सिखाना. मैं बस आप सबको थैंक्स बोलना चाहूंगी. थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग एंड मेकिंग दिस इवेंट अ ग्रैंड इवेंट, एंड थैंक्स टू ऑल माय फ्रेंड्स हु आर हियर टू सपोर्ट दिस कॉज. एंड आई थिंक नेक्स्ट टाइम जब ये शो होगा तो मैं प्रे कर रही हूँ कि ये बहुत ही ग्रैंड लेवल पे हो और नेशनली हर कोई जाने इसके बारे में नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.